यमराज का ब्राह्मण ब्रह्मा जी से कष्ट निवेदन वर देने के लिए उद्धत देवताओं को रक्मांधक के पुरोहित की फटकार तथा मोहिनी का ब्राह्मण के साप से बसपुना। यमराज बोले, देवेश्वर जगन्नाथ चरणा चराचर गुरु प्रभु, राजा रुक्मांधक की चलाई हुई पद्धति से सब लोग वैकुंठ में ही जा रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। पितामह कुमारावस्था से ही सब मनुष्य एकादशी को उपवास करके पाप शून्य हो भगवान विष्णु के दाम परधाम में चले जाते हैं। आपकी पुत्री मोहिनी देवी लज्जावश मूर्छित होकर पड़ी है, अतः आपके पास नहीं आती। सब लोग उसे धिक्कारते हैं, इसलिए वह भोजन तक नहीं कर रही है। मेरा तो सारा व्यापार ही बंद हो गया है, आज्ञा कीजिए मैं क्या करूँ। सूर्यपुत्र यम की बात सुनकर कमलासन वर्मा जी ने कहा, हम सब लोग साथ ही मोहिनी को होश में लाने के लिए चले। तदनंतर इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमानों पर बैठकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने विमानों द्वारा मोहिनी को सब ओर से घेर लिया। वह मंत्रहीन विधि धर्म और दया से रहित युद्ध भूपाल रहित पृथ्वी और मंत्रणा रहित राजा की भांति शोचनीय अवस्था में पड़ी थी। ममत्व युक्त ज्ञान और दंभ युक्त धर्म की जैसी अवस्था होती है वैसी ही उसकी भी थी। देवताओं ने उसे सर्वथा तेजहीन देखा। प्रभु वह उत्साह शून्य होकर किसी गंभीर चिंतन में निमग्न थी। सब लोग उसे देखते हुए निंदा युक्त कटुवचन सुना रहे थे। वह धर्म से गिर गई थी। पति के वचन को उलट कर अपनी बात मनाने का दुराग्रह रखने वाली और अत्यंत क्रोधी थी। उस अवस्था में उससे देवताओं ने कहा, वामोरु तुम शोक न करो, तुमने पुरुषार्थ किया है, किंतु जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके मान का कभी खंडन नहीं हो सकता। इसका एक कारण है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो परम पुण्यमय मोहिनी नाम वाली एकादशी आती है वह संपूर्ण विघ्नों का विध्वंस करने वाली है। राजा रुक्मांधक ने पहले उस एकादशी का व्रत किया था। विशाल लोचने उन्होंने एक वर्ष तक पादकुच्छ व्रत करते हुए उसका पूजन किया था। उसी का ये अनुपम अद्वयसान मतलब सामर्थ्य है कि वे सत्य से विचलित न हो सके। लोक में नारी को समस्त विघ्नों की रानी कहा जाता है। तुम्हारे विघ्न डालने पर भी राजा रुक्मांधक ने मनवाणी और क्रिया द्वारा एकादशी को वर्ण न खाने का निश्चय करके पुत्र को मारने का विचार कर लिया और स्नेह को दूरी से ही त्याग कर तलवार उठा ली। इस कसौटी पर कसकर भगवान मधुसूदन ने देख लिया कि ये प्रिय पुत्र का वध कर डालेंगे किंतु एकादशी को भोजन नहीं करेंगे। पुत्र पत्नी तथा राजा तीनों का विलक्षण भाव देखकर भगवान बहुत संतुष्ट हुए। तदनंतर वे सब भगवान में मिल गए। देवी सुभगे, यदि सब प्रकार से प्रयत्नपूर्वक कर्म करने पर भी फल की सिद्धि नहीं हो सकी तो अब इसमें तुम्हारा क्या दोष है? इसलिए सुबह सब देवता तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। सद्भाव पूर्वक प्रयत्न करने वाला पुरुष का कार्य यदि नहीं सिद्ध होता तो भी उसको वेतन मात्र तो दे ही देना चाहिए, नहीं तो उसे संतोष नहीं होगा। देवताओं के ऐसा कहने पर संपूर्ण विश्व को मोहने वाली मोहिनी आनंद शून्य पतिहीन एवं अत्यंत दुखित होकर बोली, देवेश्वरों मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो मैंने यमलोक के मार्ग को मनुष्य से वर नहीं दिया, एकादशी के महत्व का लोप नहीं किया और राजा को एकादशी के दिन भोजन नहीं करा दिया। वह वीर भूपाल रुक्मांधक प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्रीहरि में मिल गए, जिनके कल्याणमय गुणों का कोई माप नहीं है, जो स्वभावतः निर्मल तथा शुद्ध अंतकरण वाले संतों के आश्रय हैं। सर्वव्यापी हंस स्वरूप पवित्र पद परम व्योम रूप ओंकारमय सबके कारण अविनाशी निराकार निराभास प्रपंच से परे तथा निरंजन मतलब निर्दोष हैं, जो आकाश स्वरूप तथा ध्येय और ध्यान से रहित हैं, जिन्हें सत्य और असत कहा जा गया है और जो न दूर है न निकट है, मन जिनको ग्रहण नहीं कर सकता, जो परम धाम स्वरूप परम पुरुष एवं जगतमय है, जो सनातन तेज स्वरूप है, उन्हीं भगवान विष्णु में राजा रुक्मांधक लीन हो गए। देवताओं जो भृत्य स्वामी के कार्य की सिद्धि नहीं करते और वेतन भोगते रहते हैं वे इस भूतल पृथ्वी पर गौड़े होते हैं। आपकी ये मोहिनी तो पति और पुत्र का नाश करने वाली है, इसके द्वारा कार्य की सिद्धि भी नहीं हुई है, फिर ये आप स्वर्गवासियों से वर कैसे ग्रहण करें?
देवताओं ने कहा, मोहिनी तुम हृदय में जो अभिलाषा हो उसे कहो, हम अवश्य उसकी पूर्ति करेंगे। महीपति, जब देवता लोग इस तरह की बातें कर रहे थे उसी समय राजा रुक्मांधक के पुरोहित जो अग्नि के समान तेजस्वी थे वहां आए। वे मुनि पहले जल में बैठकर योग की साधना में तत्पर थे। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर पुनः जल से निकले थे। जल से निकलकर उन्होंने मोहिनी की सारी करतुते सुने। उससे क्रोध में भरकर वे मुनिश्रेष्ठ देव समुदाय के पास आए और मोहिनी को वर देने वाले संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार बोले, इस मोहिनी को धिक्कार है, देव समूह को भी धिक्कार है और इस पाप कर्म को धिक्कार है। आप लोग धिक्कार के पात्र इसलिए हैं कि आप मोहिनी को मनोवांछित वर देने वाले हैं। इस पर हत्या का पाप सवार है, इसमें नारी जनोचित साधु वर्ताव नहीं रह गया है, ये स्त्री नहीं राक्षसी है। देवताओं, यदि ये जलती हुई आग में कूद पड़े तो भी इस लोक में इसकी शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इसने इस पृथ्वी को राजा से शून्य कर दिया। देवगण, इस खोटी बुद्धि वाली पापिनी के लिए तो नरकों में भी रहने का अधिकार नहीं है, फिर स्वर्ग में इसकी स्थिति कैसे हो सकती है? ये राजा के निकट नहीं जा सकती है। लोकोपवाद से ये इतनी दूषित हो चुकी है कि लोक में कहीं भी इसका रहना संभव नहीं है। देवताओं, जो सदा पाप में ही डूबी रहती हैं और अपने दुष्कर्मों के कारण जिसकी सर्वत्र निंदा होती है, उस पापिनी के जीवन को धिक्कार है। ये वैष्णव धर्म का लोप करने वाली तथा भारी पाप राशि से दबी हुई है। देवेश्वरों, ये तो स्पर्श करने योग्य भी नहीं है, इसे आप लोग वर कैसे दे रहे हैं? जो लोग न्यायपरायण तथा धर्मपरायण चलने वाले हैं उन्हीं को वर देने के लिए आपको सदा तत्पर रहना चाहिए। देवता लोग कभी पापी की रक्षा नहीं करते, उन्हें धर्म का आधार माना गया है और धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है। वेदों ने पति की सेवा को ही स्त्रियों का धर्म बताया है। पति जो कुछ भी कहे उसे निस्संक होकर करना चाहिए, इसी को सेवा कर्म जानना चाहिए। केवल शारीरिक सेवा ही नाम सुरसोया नहीं है। देवगण, इसने अपनी आज्ञा स्थापित करने की इच्छा से पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मोहिनी संपूर्ण स्त्रियों में पापिनी है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसकी शपथों से बंधे हुए राजा रुक्मांधक ने सत्य की रक्षा के लिए नाना प्रकार की अनुनय विनय भरी बातें कहीं, किंतु इसने उनकी ओर से अनिच्छा प्रकट कर दी। अतः राजा इसके ऊपर पाप डालकर स्वयं मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस पर हजारों हत्या का पाप सवार हैं। इसका शरीर ही पापमय है, जो सब प्रकार के उत्तम दान देने वाले ब्राह्मण भक्त भगवान विष्णु के आराधक प्रजा को प्रसन्न रखने वाले तथा एकादशी व्रत के सेवी थे। पराई स्त्री के प्रति जिनके मन में आसक्ति नहीं थी, जो विषयों की ओर से विरक्त हो चले थे, परोपकार के लिए सारा भोग त्याग चुके थे और सदा यज्ञानुष्ठान में लगे रहते थे, इस पृथ्वी पर जो सदा दुष्टों का दमन करने में तत्पर रहते थे और 7 प्रकार के भयंकर व्यसनों से कभी जिन पर आक्रमण नहीं किया, उन्हीं महाराज रुक्मांध को इस जगत से हटाकर दुराचारी मोहिनी वर पाने के योग्य कैसे हो सकती है? सर्वश्रेष्ठ जो इस मोहिनी के पक्ष में होगा वह देवता हो या दानव, मैं उसको भी क्षण भर में भस्म कर दूंगा। जो मोहिनी की रक्षा का प्रयत्न करेगा उसको वही पाप लगेगा जो मोहिनी में स्थित है। राजा ने ऐसा कहकर उस द्विजेंद्र ने हाथ में तीव्र जल लिया और ब्रह्मपुत्री मोहिनी की ओर क्रोधपूर्वक देखकर उसके मस्तक पर वह जल डाल दिया। उस जल से अग्नि के समान लपट उठ रही थी। महीपते, उस जल के छिड़ते ही मोहिनी का शरीर स्वर्गवासियों के देखते देखते तत्काल प्रज्वलित हो उठा, मानो तिनकों की राशि में आग की लपटें उठ रही हो। प्रभु आपका कोप रोकिए, ये देवताओं की वाणी जब तक आकाश में गुंजी तब तक ब्राह्मण के वचन से प्रकट हुई अग्नि ने उस रमणी को चलाकर राख कर दिया।